सो हाय गाइस, आ चुके हैं एक नए वीडियो में। सो आपको भी इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं की तो प्लीज़ ऑल पे सेट कर लें ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑटोडेस्क ओपन कर लेना है। सो ऑटोडेस्क ओपन करने के बाद फ़ोटो ऐड कर लेना है। सो फोटो ऐड करने के बाद पगड़ी के PNG को ऐड कर लेना है। सो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पास इस टाइप से। सो इतना करने के बाद कर देंगे डन। सो डन करने के बाद जाना है ब्रश पे। ब्रश पे जाने के बाद स्क्रॉल अप करेंगे, देन लेगेसी पे जाएंगे, देन ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे, इरेज वाला, देन इधर का पार्ट इरेज कर लेंगे अच्छे से। करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करेंगे, देन कर देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पास। सो इस टाइप से। सो इतना करने के बाद कर देंगे डन। सो डन करने के बाद जाना है ब्रश पे। ब्रश पे जाने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद यहाँ का हल्का हल्का रेज कर लेंगे इस टाइप से, दिन इस साइड का भी कर लेंगे। हल्का सा यहाँ का भी कर लेंगे। सो इतना करने के बाद जाना है दोबारा ब्रश के आइकन पे। देन ब्रश के आइकन पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, देन स्मर्ज ब्रश ढूंढ लेना है, देन ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद साइज को अपने हिसाब से कर लेंगे, देन लो को 72 कर लेंगे, देन जो इधर का सॉरी। इतना करने के बाद थिन लाइन पे जाएंगे। थिन लाइन पे जाने के बाद एक बार फोटो पे टैप करना है, देन अब करना है इस टाइप से। जो बाल निकला है इसको इस टाइप से कर देंगे गाइस। सो इतना करने के बाद जाना है थिलाइन पे। थिलाइन पे जाने के बाद प्लेस के आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे, एम्प्टी लेयर ले लेंगे, देन जाना है कलर पे। सो कलर पे जाने के बाद ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे, देना जाना है बैक। बैक आने के बाद जाना है ब्रश पे। ब्रश पे जाने के बाद स्क्रॉल अप करना है, देन लेगेसी वाले में जाना है, देन ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देना जाना है बैक। बैक आने के बाद हल्का हल्का इधर शैडो बना लेंगे। सो इतना करने के बाद जाना है थिलाइन पे। थिलाइन पे जाने के बाद एक बार एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे, देन इसका ओपेसिटी को माइनस कर देंगे 71। सो इतना करने के बाद प्लेस की आइकन पे दोबारा क्लिक करेंगे, देन ये एम्प्टी लेयर को फोटो के ऊपर ले आएंगे। सो इतना करने के बाद जाना है कलर पे। कलर पे जाने के बाद ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे, देन आ जाना है बैक। बैक आने के बाद थिलाइन पे जाएंगे, देन एम्प्टी लेयर पे एक बार क्लिक करेंगे, देन जाएंगे ब्लेंडिंग पे। ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, देन कर देना है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने के बाद जाना है ब्रश पे। ब्रश पे जाने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इस टाइप से कर लेंगे पूरा बॉडी पे।
सो इतना करने के बाद जाना है ब्रश पे, ब्रश पे जाने के बाद लेगेसी पे जाना है, देन ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद साइज़ को बड़ा कर लेंगे, देन लोको 5 कर लेंगे, देन जो इधर का पार्ट ब्लू है उधर हल्का हल्का इरेज कर लेंगे इस टाइप से। सो इतना करने के बाद यहाँ का भी पार्ट इरेज कर लेंगे। सो इतना करने के बाद जाना है थ्री लाइन पे जाने के बाद प्लेस के आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे, एम्प्टी लेयर ले लेंगे, देन इसको ऊपर कर देंगे। देन इतना करने के बाद जाना है ब्रश पे, ब्रश पे जाने के बाद रेड सेलेक्ट करना है। सो आ जाना है बैक, बैक आने के बाद इस टाइप से कर लेंगे। सो इतना करने के बाद जाना है थ्री लाइन पे जाने के बाद एक बार एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे, देन चले जाना है ब्लेंडिंग पे। सो ब्लेंडिंग पे जाने के बाद एक स्क्रॉल डाउन करना है, देन कर देना है सॉफ्ट लाइट। सो सॉफ्ट लाइट करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद दोबारा थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, देन एम्प्टी लेयर पे दोबारा क्लिक करेंगे, देन इसका ओपेसिटी को माइनस कर देंगे 76। सो इतना करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद रुद्राक्ष पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो ऐड करने के बाद डन कर देंगे, डन करने के बाद जाना है ब्रश पे, ब्रश पे जाने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद यहाँ का पार्ट इरेज कर लेंगे। इस टाइप से इतना करने के बाद इस आइकन पे क्लिक करेंगे, देन कर देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको अच्छे से इस टाइप से यहाँ पास एडजस्ट कर देंगे। सो कर देंगे डन। सो डन करने के बाद दोबारा थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, देन एम्प्टी लेयर पे दोबारा टैप करेंगे, देन डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। सो बैक आने के बाद इस आइकन पे क्लिक करना, देन कर देना ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पास।
सो कर देंगे डन। सो डन करने के बाद ब्रश के आइकन पर क्लिक करेंगे, देन जो इधर का पार्ट है इरेज कर देंगे इधर का पार्ट इस टाइप से। यहाँ का भी कर देंगे, सॉरी लाइन पे क्लिक करेंगे, देन ये वाला डुप्लीकेट लेयर में क्लिक करेंगे, देन अब इरेज कर देंगे इस टाइप से। सो इतना करने के बाद जाना है थी लाइन पे जाने के बाद प्लस के आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे, देन ये एम्प्टी लेयर को डुप्लीकेटेड लेयर के नीचे कर देना है दोनों के। सो चले जाना है ब्रश पे, ब्रश पे जाने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देन आ जाना है कलर पे, कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे शैडो बनाने के लिए। सो इतना करने के बाद इसका शैडो बना लेंगे इस टाइप से। तो इतना करने के बाद बासुरी के पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो ऐड करने के बाद यहाँ पास अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। सो कर देंगे डन। सो डन करने के बाद जाना है थी लाइन पे जाने के बाद प्लेस के आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे, देन ये एम्प्टी लेयर को बासुरी के नीचे कर देना है, देन उसका शैडो बना देंगे इस टाइप से। सो इतना करने के बाद डन कर देंगे। सो डन करने के बाद एक और पीएनजी को ऐड कर लेंगे। सो ऐड करने के बाद कर देंगे डन। सो डन करने के बाद जाना है थी लाइन पे जाने के बाद एक बार एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे। सो चले जाना है ब्लेंडिंग पे, ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है, फिर आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद जाना है इस आइकन पे। सो इस आइकन पे जाने के बाद कर देना है ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म करने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पास इस टाइप से। सो कर देंगे डन। सो डन करने के बाद एक और पीएनजी को ऐड करेंगे। सो ऐड करने के बाद कर देंगे एक बार डन। सो डन करने के बाद जाना है थिन लाइन पे जाने के बाद एक बार एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे, देन चले जाना है ब्लेंडिंग पे, ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है। सो आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद जाना है दोबारा इस आइकन पे, देन कर देना है ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको यहाँ पास अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। सो इतना करने के बाद कर देंगे डन। सो डन करने के बाद शेयर कर लेना है लाइट रूम पे।
सो लाइट रूम पे शेयर करने के बाद एक बार ऑटो पे क्लिक करेंगे, देन चले जाना है लाइट पे। सो लाइट पे जाने के बाद हाईलाइट को माइनस कर देंगे 69, सो कंट्रास्ट को प्लस कर देंगे 31, सो आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद जाना है कलर पे। सो कलर पे जाने के बाद टेम्प को माइनस कर देंगे 8। सो इतना करने के बाद चले जाना है मिक्स पे। मिक्स पे जाने के बाद ब्लू कलर पे टैप कर रहे हैं, देन ब्लू कलर को प्लेस कर लेंगे 21। सो सेचुरेशन को प्लेस कर लेंगे 31। सो इतना करने के बाद जाना है लुमिनस पे। लुमिनस पे जाने के बाद कर लेना है इसको माइनस। सो इतना करने के बाद कर देंगे डन। सो डन करने के बाद जाना है ग्रेडिंग पे। ग्रेडिंग पे जाने के बाद हल्का ब्लू करेंगे इस साइड, देन स्क्रॉल डाउन करना है, देन लुमिनस पे जाना है। सो लुमिनस को माइनस कर देंगे 14। सो कर देंगे डन। सो डन करने के बाद जाना है इफेक्ट पे। इफेक्ट पे जाने के बाद क्लैरिटी को प्लस कर लेंगे 77। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया तो प्लीज़ ऑल पे सेट कर लें, ताकि मैंने वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।